हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी है आलू जीरा की रेसिपी है। तो यदि आपके पास नवरात्र व्रत का कोई खाने का सामान नहीं बचा हुआ है तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, तो आज आप ये जीरा आलू ट्राई करिएगा और इसको दही के साथ या समा के चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं यदि है आपके पास। तो सबसे पहले मैं इसमें ये जीरा डालूंगी और मैंने ये दो बड़े साइज़ के बॉइल्ड आलू लिए हुए हैं। हम ये डाल देंगे इसके अंदर, और हम इसको मैंने स्लो फ्लेम किया हुआ, इसको हम 2 मिनट भूनेंगे इसी तरीके से। तो ये जो जीरा आलू मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो ऑयल लिया है वो मूंगफली का ऑयल लिया हुआ था, मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। और ये बॉइल्ड आलू लिए हैं हमें, तो फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट और अच्छे से। तो ये आलू भुन चुका है, आप देख सकते हैं ये आलू पे ना गोल्डन ब्राउन कलर हल्का सा आ गया। ये थोड़ा सा इस तरीके का भुन जाता है आलू तो बहुत टेस्टी लगता है जीरा आलू खाने में। तो आप कोशिश करिएगा इस तरीके से थोड़ा सा ब्राउनिश स्पॉट्स आ जाए इससे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। अब हम क्या करेंगे, बस 2 पिंच यहाँ पे ये मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ जस्ट कलर के लिए। इसको हम चला देंगे अच्छे से। तो ये मैंने इस तरीके से ये चला दिया, ये हल्दी भी भून चुकी है और ये आलू भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और ये आप जब हल्दी वगैरह डालें ना, जैसे मैंने आलू भुने हैं पहले ऑयल में, तो आप हल्दी इस तरह से आलू कर लीजिए, बीच में डालिएगा। अगर 2 पिंच 3 पिंच चाहिए होगी, इससे कलर अच्छा आता है। यदि आप खाना चाहें तो स्किप करना चाहते स्किप कर, तो उससे क्या हो ना, थोड़ा सा भून लीजिए और फिर इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब हम ये बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची है, ये लाल हो गई थी मेरे पास, ग्रीन नहीं थी, मैं यही डाल रही हूँ, बारीक चॉप कर लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सेंधा नमक लिया है व्रत वाला, काली मिर्ची ली है कुटी हुई, और धनिया पाउडर लिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया। आप स्पाइसी कितना खाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से बना लीजिए, जो भी मसाला डालना है डाल दिया। तो ये मैंने मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी, हरा धनिया है, आप ये डाल दीजिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको चला देंगे अच्छे से, गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। यहाँ पे ये मैं नवरात्र व्रत के लिए बना रही हूँ। यदि आप चाहें नॉर्मली जीरा आलू बनाएं तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर वगैरह यूज कर सकते हैं, आप नींबू डाल सकते हैं, मैं नींबू स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, आप नींबू डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और नींबू यदि नहीं है आपके पास तो अमचूर पाउडर डाल दीजिए, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। तो ये हमारे मसाला जीरा आलू बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ कम क्वान्टिटी में बनाए हैं, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको बना सकते हैं। तो अब हम निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं, नाम मात्र के लिए मैंने 1 टेबल स्पून डाला था इसमें। आप देसी घी या जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जीरा आलू हमारा बन के रेडी हो चुका है, मसाला जीरा आलू। अब इसको हम थोड़ा सा धनिया से और गार्निश कर देंगे। इसका सच में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। आप एक बार जरूर इस नवरात्रि में ट्राई करिएगा। और यदि कोई सामान नहीं बचा है आपके पास नवरात्रि व्रत का खाने के लिए, और पड़े हैं आलू आपके पास, आप बॉयल करके इस तरीके से जीरा आलू की ये रेसिपी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। हैप्पी नवरात्रि, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए थैंक यू।